हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत इजी चटपट बनने वाली स्वीट ब्रेड पॉपकॉर्न रेसिपी। बहुत इजी और चटपट बनने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं दो ब्रेड स्लाइसेस, ये है रेगुलर ब्रेड है। तो अब हम इन्हें जो है क्यूब बाइट साइज क्यूब में कट कर लेने वाले हैं। तो जो है इसे इक्वल साइज में आपको कट करना है और बाइट साइज यानी आपको ज़्यादा छोटे भी नहीं करने हैं। तो देखिए जैसे वीडियो में बताया है उस हिसाब से आपको कट करना है। तो सारे क्यूब जो है अच्छे से आपको कट कर करे रेडी रखना है। आप किसी भी तरह का रेगुलर ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसे अगला प्रोसेस करेंगे वो है रोस्टिंग। पैन को मैंने प्रीहीट कर लिया है। अब हमें जो है इसे धीमी आंच पर, धीमी से मीडियम आंच पर हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो टिप ऑफ द डे आंच को सिम से मीडियम में रखना है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे, क्रिस्पी होने तक जो है इसे हम रोस्ट कर रहे हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट तैयार है, हो चुका है हमारा क्यूब रेडी। तो अब हम जो है यहाँ पे मैंने सिरप जो है वो ऑलरेडी जो मैंने बना के रखा था लास्ट रेसिपी में वो यूज़ कर रही हूँ और इसे जो है गाढ़ा कर रही हूँ। तो रेसिपी, अगर आपको सिरप की रेसिपी चाहिए तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो मैंने ब्रेड स्वीट में यूज़ किया था वही हम सिरप यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए गाढ़ा हो चुका है हमारा जो शुगर सिरप है। तो अब हम इसे चेक करने वाले हैं थिकनेस। तो आप देख सकते हैं स्टिकी हो चुका है। तो तैयार है हमारी शुगर सिरप की रेसिपी। तो गैस को अब हम जो है टर्न ऑफ कर देते हैं और अब हम जो है क्यूब जो हमने रोस्ट किए थे ब्रेड के वो इसमें ऐड कर देंगे। अब जो है हाँ, इसमें हमें डिप करके रखना है अच्छे से मिक्स करके। करीबन 5 से 6 मिनट तक आप इसे डिप करके रखिएगा ताकि ये जो ब्रेड क्यूब्स हैं सभी जो शुगर सिरप है हमारा जो हमने रेडी किया है वो सोख ले। तो देखिए चलिए छोड़ देते हैं इसे 5 से 6 मिनट। तो तैयार है हमारा क्रिस्पी जूसी और बहुत ही झटपट बनने वाला स्वीट ब्रेड पॉपकॉर्न। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस। बहुत ही क्विक है और उतना ही टेस्टी रेसिपी है, स्नैक रेसिपी है। इवन आपको लंच बॉक्स की तरह आपका ये जो है ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। बच्चे जो है बड़े एंजॉय करके खाएंगे। तो जल्द अगर मेहमान आ रहे हैं आपके यहाँ पर और अगर आपको लग रहा है कि इंस्टेंट में कुछ बनाना है तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।